फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, विंटर्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी आँखें हमारी चेहरे, हमारी पर्सनैलिटी के पहचान होती है। अगर हमारी आँखें अच्छी नहीं हैं, अगर हमारी आँखें अच्छी नहीं दिख रही हैं, हमारी आँखों के नीचे डार्क सर्कल है, पफिनेस है, या हमारी आँखें रेड हो रखी हैं रात को ना सोने के कारण, या फिर वर्क स्ट्रेस के कारण, या फिर किसी भी और स्ट्रेस के कारण, तो हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी पर इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक रिंकल रिमूवर और झुर्रियों से छुटकारा पाने के लिए एक DIY। तो जो कि ये DIY हमारी एजिंग के आँखों के आसपास के एजिंग के साइंस को कम करेगा, हमारे डार्क सर्कल को कम करेगा, हमारी आँखों के नीचे के पफिनेस को, हमारी आँखों के आसपास जो पफिनेस, ब्लूनेस हो जाती है, नीली पड़ जाती है हमारी आँखें, या फिर अगर आपको कोई चोट भी है आँखों के आसपास, नीला पड़ गया है, तो आप उस चोट को भी यह बहुत अच्छे से खींच लेगा और बहुत ही आपकी आँखों को बहुत ही स्मूथ और एजिंग के साइंस को ये बिल्कुल कम कर देगा। आप इस DIY को रोज़ 15 दिन रात को अप्लाई करें और उसके बाद आप इसके इफ़ेक्ट्स देखें, और उसके बाद आप आने वाले आगे के दिनों में इसे इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये DIY बनाने के लिए हमें चाहिए आधा चम्मच कॉफ़ी, और इस आधा चम्मच कॉफ़ी में मैंने आधा ही चम्मच आमंड ऑयल डाला है। फ्रेंड्स, कॉफ़ी हमारे लिए बहुत ही अच्छा स्टिमुलेट का काम करती है, मतलब उत्तेजक का काम करती है, मतलब हमारी स्किन को बहुत अच्छे से हील कर देती है। और कॉफ़ी में कैफीन नामक कंटेंट पाया जाता है, जो कि हमारे आँखों के नीचे से थकान और हमारी आँखों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देता है, हमारी आँखों को बिल्कुल रिजुनेट कर देता है, हमारी आँखों के आसपास की स्किन को। और फ्रेंड्स, आपको पता है आमंड ऑयल तो बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्किन की कलर को लाइटन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये आमंड ऑयल हमारी आईज़ के आसपास की स्किन को लाइटन कर देगा। अगर आपकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल वगैरह हो रखे हैं, तो ये आपके डार्क सर्कल को रिड्यूस करेगा और आपके एजिंग के साइंस को कम करेगा। फ्रेंड्स, आमंड ऑयल में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आमंड ऑयल में विटामिन ई और विटामिन के पाया जाता है, जो हमारी आँखों के नीचे की स्किन को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर देता है और हमारी आँखों के नीचे की स्किन से रिंकल्स वगैरह को भी हटा देता है। और फ्रेंड्स, एलोवेरा तो आप जानते ही कितना अच्छा होता है, एलोवेरा के गुण हमें बताने की ज़रूरत है ही नहीं। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमें चाहिए टर्मरिक। तो फ्रेंड्स, टर्मरिक भी आप जानते हैं कितनी अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं टर्मरिक में, जो कोई भी आपको चोट लग जाते हैं या फिर आपको नील पड़ जाता है, जिसे हम कहते हैं कि अगर आपके आंखों के आसपास नील पड़ गया है, या फिर आप सोए नहीं हैं, आपको थकान हो रखी है, या फिर कोई चोट लग रही है आपको, तो वो भी ये DIY बहुत अच्छे से हील कर देगा, चोट के निशान को बिल्कुल गायब कर देगा। और आपकी स्किन के नीचे, आपकी आईज़ के नीचे से जो काला आ गया है और आपके डार्क सर्कल आ गए हैं, उसे भी बिल्कुल ठीक कर देगा। तो फिर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं हल्दी में, जो आपकी जो हमारी और आपकी आँखों के नीचे से झुर्रियों को भी बिल्कुल कम कर देगा और आपकी फाइन लाइन्स को भी बिल्कुल कम कर देगा। तो फ्रेंड, इसी के साथ हमें चाहिए सौंफ। तो फ्रेंड्स, सौंफ हमारी स्किन के लिए अगेन बहुत ही अच्छा होता है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। सौंफ, इसके साथ ही हमें इसमें सौंफ डालनी है फ्रेंड्स, आधा चम्मच सौंफ डालनी है। सौंफ भी बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, जो कि हमारी आँखों के नीचे से हमारी आँखों के भारीपन को, जैसे कि अगर हम एक दो नाइट से सोए नहीं हैं, तो हमारी आँखों के भारीपन को ये बहुत ही हद तक कम कर देता है। और इसमें रिंकल हटाने की प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं सौंफ में। तो फ्रेंड्स, सौंफ बहुत ही अच्छा होता है और सौंफ हमारी आईज़ को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स कर देता है। तो फ्रेंड्स, आप ये सब DIY डेली 15 दिन अप्लाई करें और उसके बाद आप फ्रेंड्स फ़र्क देखेंगे कि आपको खुद ही बहुत ज़्यादा
फ़र्क दिखाई देगा। और इसमें मैंने एलोवेरा जेल डाला है, आधा चम्मच एलोवेरा जेल। बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग बेनिफिट्स देता है हमारी आइज़ के लिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो या तो आप रोज़ एलोवेरा जेल अपने फेस पे अपने आँखों के नीचे अप्लाई करिए, या फिर आप आमंड ऑयल अप्लाई करिए। बहुत ही हल्के हाथों से आपको ये आमंड ऑयल अप्लाई करना है, और आपको रगड़ना नहीं है, ना ही आपको ये DIY अपने आँखों के नीचे रगड़ना है। सिर्फ आप 15 मिनट के लिए इसे लगा के और रिलैक्स हो जाइए, सो जाइए, लेट जाइए, कुछ भी कर लीजिए, और उसके बाद आप वॉश कर लीजिए अपनी आँखों को। और ये 15 दिन आप अप्लाई करेंगे तो आपको खुद ही बहुत अच्छे मैजिकल रिजल्ट्स दिखेंगे। फ्रेंड्स, मुझे ये कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाय, तो फ्रेंड्स, ये DIY मैं अपनी अंडर आइज़ पर अप्लाई कर लूँगी और उसके बाद मैं इसे वॉश कर दूँगी। फ्रेंड्स, ये DIY आपको अप्लाई करने के बाद इसको रगड़ना नहीं है, सिर्फ इस तरह से पैट पैट कर कर आपको इसे अपनी आँखों के नीचे चिपका लेना है, अपनी अंडर आइज़ पर चिपका लेना है, और इसे रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरह से इसे अप्लाई कर दूंगी और उसके बाद मैं इसे वॉश कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी? आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और मुझे कमेंट करें, आप मुझे सजेशन करें कि आपको किस टॉपिक पर होम रेमेडी चाहिए, अपने फेस, स्किन और किसी भी तरह की आपको होम रेमेडी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, आपके सजेशन का मोस्ट वेलकम है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मेरी होम रेमेडीज़ और लोगों तक भी जाएं और इससे वह भी लाभ ले पाएं, जिसको कि इन सारी समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियोस पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।